हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। सन टैन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो इस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे, अभी शायद रिसेंटली आपको सन टैन भी नहीं हो रही होगी, लेकिन बहुत दिनों पहले से जो सन टैन है जिसे आप कभी भी रिमूव नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मेरी आज की वीडियो है। क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दिनों से सन टैन हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा था उसकी टेक केयर करने के लिए या फिर सन टैन को रिमूव करने के लिए। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इस सन टैन को रिमूव करूंगी। और मैंने कुछ चीज़ें ट्राई किया जो मेरे लिए बहुत अच्छे से अमेजिंगली वर्क किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि ये जो रेमेडी है आप भी ट्राई कर सको और आपकी जो बहुत पुरानी से पुरानी सन टैन भी है वो भी रिमूव होंगे इससे। और वीडियो को स्टार्ट करने से ही पहले इसकी जो रिजल्ट है, बिफोर एंड आफ्टर है, वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि सच में ये अमेजिंगली वर्क करता है। इससे पहले मैंने सिर्फ इसे दो बार ट्राई किया है। आई थिंक और दो बार मैं अगर इसे ट्राई करती हूँ तो सन टैन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सन टैन रिमूवल प्रोसेस को। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस सिंपल से दो स्टेप्स फॉलो करना है। तो देख लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग किसी भी स्किन केयर रूटीन की फर्स्ट स्टेप ही होती है। तो क्लींजिंग करने के लिए आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस टाइप की एक ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो ब्रश है इसे मैंने शीन से लिया था। इसका जो ब्रिसल्स है इस साइड में, ये काफ़ी अच्छे से स्क्रब की तरह काम करता है। तो आप इससे अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास ये सारा सब कुछ ना हो तो सिंपली सोप लीजिए और आप नॉर्मल सा कोई लूफा ले लीजिए और अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, या फिर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट जहां पे आपको सनटैन हो गई है वहां पे आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप है सनटैन को रिमूव करने के लिए, सिंपल स्टेप नंबर वन। इसके लिए आपको एक हाफ लेमन स्लाइस लेना है और उसके ऊपर डाल देना है आपको ग्लिसरीन, या फिर आप चाहे तो किसी भी कंटेनर में इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी सनटैन के एरिया में इसे अप्लाई करना है अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 minutes के लिए। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट सनटैन को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन कभी भी लेमन जूस को डायरेक्ट अपने स्किन में आपको अप्लाई नहीं करना है, उससे आपकी जो स्किन की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। हमेशा लेमन जूस को आप किसी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके अप्लाई करें, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी जो स्किन है वो भी डैमेज नहीं होगी। और ग्लिसरीन मैंने देखा है बहुत अच्छे से वर्क करता है लेमन जूस के साथ सनटैन को रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ब्राइटन अप करने के लिए। इसके बाद आप अपने पैरों को वॉश करके वाइप आउट कर लीजिए और फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आप देखेंगे आपकी जो स्किन टोन है वो पहले से ब्राइटन हो गई है और सनटैन भी पहले से कम हो गया है। इसके बाद है हमारी स्टेप नंबर टू, जो है फाइनल स्टेप। इसके लिए आपको सिंपल स्किन वाइटनिंग या फिर सन टैन रिमूवल पैक बनाना है, और पैक बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लेना है अनियन। अनियन को आप अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। आप 1 या 2 medium अनियन की जूस कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर आपको ऐड करना है ड्राई पोटैटो पाउडर। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकता है आपको मिलने में, ड्राई पोटैटो पाउडर मुझे कहाँ से मिलेगा, ऐसे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपल पोटैटो भी ले सकते हो क्रश करने के बाद, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो सिंपल आलू को लेके वॉश करके आप धूप में सुखा सकते हो छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और उसके बाद ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना के रख सकते हो। और ये जो पाउडर है आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है, और आपके स्किन में अगर फाइन लाइंस है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो लोग एंटी एजिंग मास्क बनाना चाहते हैं वो भी पोटैटो पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, आप चाहे तो ऑनलाइन ले लीजिए या फिर घर पे बना लीजिए, या फिर रॉ पोटैटो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस पाउडर को ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए लेमन जूस। और लेमन जूस की जो क्वांटिटी है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि जो सन टैन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप बहुत ज़्यादा लेमन जूस ऐड ना करें। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है योगर्ट, मतलब दही। दही ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब सिंपली इस सन टैन रिमूवल पैक को आपको अप्लाई करना है। जब इतना मेहनत करके आपने बनाया है अप्लाई, तो आप करोगे ही, तो अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको वेट करना है मिनिमम 15 to 20 minutes के लिए। और इस टाइम आप चाहे तो अपने पैरों को ना अच्छे से रैप करके रख सकते हो प्लास्टिक में, ताकि ये जो पैक है इधर उधर ना हो, क्योंकि प्लास्टिक में रैप करने से आप काम भी कर सकते हो। और अगर आपके पास खाली टाइम है तो बस ऐसे ही अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए।
इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगी वॉश करने के बाद, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। जो सन टैन है वो पहले से कम हो जाएगी, लेकिन सन टैन आगे ना हो इसके लिए आपको जो चीज़ ध्यान रखना है वो है ये कि हमेशा बाहर जाने से पहले अपने एक्सपोज्ड एरिया में सनस्क्रीन अप्लाई करें, अदरवाइज आपको जो है फिर से सनटैन हो जाएगी। क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा सनटैन इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल जाती थी अपने पैरों में। मैं बस सनस्क्रीन लेती थी, अपने फेस में अप्लाई करती थी, बस हैंड्स में अप्लाई कर लेती थी, मोस्टली भूल जाती थी अपने पैरों को। और जब मैं बाहर जाती थी तब मुझे याद आता था मैंने तो सनस्क्रीन अप्लाई किया ही नहीं। और अगर मेरे बैग में होता भी था सनस्क्रीन तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था कि मैं उसे बाहर निकालूँ, लोगों के सामने ऐसे रब करके फिर मसाज करूँ पैरों में। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, अपने बैग में ना एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोडक्ट रखती हूँ जो है वाउकी वाटर बेस्ड सनस्क्रीन स्प्रे। ये बहुत ही कन्वीनियंट प्रोडक्ट है क्योंकि आप बाहर कहीं पर भी हो और आप भूल जाते हो अगर सनस्क्रीन अप्लाई करना, या फिर आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहते हो, मतलब कि 3 to 4 hours में जनरली हमें सनस्क्रीन रीअप्लाई करते रहना चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। इवन अगर आपने मेकअप भी अप्लाई किया हुआ है उसके बाद डेफिनेटली आप नॉर्मल जो सनस्क्रीन होता है उन्हें मसाज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सनस्क्रीन स्प्रे है इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ उसे कैरी करती हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूँगी आप भी इसे कैरी कर सकते हो ताकि आप भी किसी भी जगह पे सनस्क्रीन को रीअप्लाई या फिर अप्लाई कर सको बहुत ही इजीली। तो मेरे आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस लॉकडाउन में अगर आप घर में फ्री हो तो डेफिनेटली कुछ टाइम अपने लिए दीजिए और पुराने से पुराने सनटैन को रिमूव कर लीजिए इस प्रोसेस को फॉलो करके। और ये अगर आपके लिए वर्क करता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मुझे आप सबके कमेंट करके बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।